हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है मुझसे कि टैली ईआरपी 9 में मल्टीपल टैक्स रेट यानी जीएसटी कैसे हम लगाएंगे, यानी हर आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट, और वो हम एक ही बिल में कैसे देंगे, इसी की बात करेंगे हम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हमें यहाँ पे क्या करना है चुके हैं, और यहाँ से हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और यहां पर देख सकते हैं पेमेंट वाउचर में हम आ चुके हैं, लेकिन हमें जाना है कहाँ, हमें जाना है परचेज वाउचर में। तो F9 प्रेस कीजिए या यहां से माउस क्लिक कर दीजिए तो आप आ जाएंगे परचेज वाउचर में। अब सपोज कीजिए बिल नंबर 789, यानी कि सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है 789, और ये जो डेट है 1 अप्रैल 2020, इसी डेट पर हमें परचेजिंग करनी है। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जब भी आप परचेज वाउचर में एंट्री करें तो या तो कैश डाल दीजिए आप डायरेक्टली, और नहीं तो अगर आप पार्टी का नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा, यानी जो भी लेजर बनाइएगा वो संडे क्रेडिटर के अंदर डालिएगा, जिस भी पार्टी का नाम आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहचान के लिए मैंने क्रेडिटर लिख दिया है, संदीप क्रेडिटर। अब यहाँ पर लोकल एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, लोकल एड्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो हम CGST SGST लगाएंगे, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास, क्योंकि लोकल अगर पार्टी होगी। और यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट का लेजर। अब यहां पर हमें अलग अलग आइटम्स के बारे में बात करनी होगी, ठीक है, और उस पर अलग अलग टैक्स भी लगाना होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमने जो जीएसटी है उसे इनेबल किया है या नहीं। तो यहां से आपको F11 प्रेस करना है, और यहां से आना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर। तो जैसे ही आप यहां आएंगे तो यहां देख सकते हैं जीएसटी इनेबल है, यहां पर यस प्रेस करके चेक कर लेता हूं। और यहां पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हमने जीएसटी इनेबल कर रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स 12.60% का दिया हुआ है, और 6.30 स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स भी डिवाइड हो गया है। तो ये मैंने दे रखा है, अगर मैं किसी आइटम पर कोई टैक्स नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यही टैक्स अप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा टैक्स रेट अप्लाई हो गया है। अब यहाँ से ओके प्रेस करते हैं। अब हम वापस चलते हैं और यहाँ से वाउचर में आते हैं, और परचेज वाउचर सप्लायर नंबर के हिसाब से हमें सप्लाई देनी है। और यहाँ पर जो है मैंने जैसे बताया आपको कि क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ गया, और यहाँ पर हम देंगे लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमें CGST SGST लगाना है, इस वजह से। अगर लोकल का एड्रेस नहीं है तो आप IGST लगाएंगे, यानी कि स्टेट के बाहर की बात है तो IGST लगाएंगे। इंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराऊंगा, परचेज अकाउंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें स्टॉक आइटम बनाना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, एक एक करके स्टॉक आइटम हम बनाते चलेंगे। जैसे ही अल्ट के साथ सी प्रेस किया तो ये स्टॉक आइटम वाली क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो गई है। यहां पर एक एक करके स्टॉक आइटम हम बनाते हैं, LED मॉनिटर, ठीक है, LED मॉनिटर लिखा मैंने, इंटरप्रेस किया, यहाँ प्राइमरी रहने देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ आइटम, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ पर यस करना है आपको, इंटरफेस किया। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कोई भी आइटम, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है। और यहाँ पर HSN कोड इसका डाल देंगे, हर एक का HSN कोड अलग होता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। फिलहाल मैंने डमी कोड डाला है, ये कोई ओरिजिनल कोड नहीं है। और यहाँ ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबिलिटी में हम क्या करेंगे, यहाँ से टैक्सेबल रख देंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको टैक्स देना है, तो इस पर टैक्स लग रहा है 15% का, तो 7.5 के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे गुड्स रखेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो LED मॉनिटर की क्वांटिटी आएगी, तो 50 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और एक की कीमत हमें जो पड़ेगी वो पड़ेगी 5500 रुपए, तो 50 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर टोटल आ गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कोई और आइटम की, जैसे हम बात करेंगे माउस की, तो यहाँ पे माउस या मोबाइल कवर जो भी है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार मैं मोबाइल की बात करता हूँ, तो मोबाइल तो अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। यहाँ पर पेन ड्राइव मैंने बना रखा है, और इसमें एट द रेट 12% के हिसाब से हमने टैक्स लगाया है, तो इसको ले लेते हैं हम। इस पर टैक्स जो अप्लाई हुआ है वो 12% के हिसाब से अप्लाई हुआ है, तो 7 पेन ड्राइव हम खरीद रहे हैं और इसके हिसाब से यहाँ आ गया है, ठीक है।
पेन ड्राइव के बाद अगली आइटम की बात करेंगे। यहाँ से एंटर प्रेस करके यहाँ पर आऊंगा, पी प्रेस करता हूँ फिर से मैं, तो अभी यहाँ पर डेस्कटॉप हमारे पास अवेलेबल है, इस पर अलग टैक्स अप्लाई है, वो सेम वाला टैक्स नहीं है, तो एक डेस्कटॉप भी हम खरीद रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये टैक्स आपको दिख जाएगा, देखिए इस पर जो टैक्स लगा हुआ है एलईडी मॉनिटर पर, ठीक है, उसका टैक्स रेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ड्यूटीज टैक्स और ये टैक्स रेट के हिसाब से यहाँ पर 41,250 रुपए ये जो है टैक्स लगा हुआ है। अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये टैक्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एलईडी मॉनिटर पर कितना टैक्स लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप, और पेन ड्राइव पे कितना टैक्स लगा हुआ है, 336 रुपए, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 2800 रुपए का आपने पेन ड्राइव खरीदा है जिसमें आपको 336 रुपए टैक्स पे करने पड़े हैं, ठीक है। इसी तरह से डेस्कटॉप पे 2772 रुपए टैक्स लगा हुआ है, कुल मिलाकर टैक्स 44,358 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब बाहर आते हैं, अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी को हम अप्लाई करेंगे, तो चलिए अप्लाई करते हैं सीजीएसटी, ठीक है। इसके हिसाब से टैक्स रेट आ गया, और अब एसजीएसटी की बात करेंगे तो इसके हिसाब से टैक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 22,179 और 22,179 ये टैक्स रेट अप्लाई हो गया है। यहाँ पर अभी ईवे बिल को मैं नो रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको न्यू रेफरेंस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पर नरेशन दे सकते हैं, फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये हमारी हो गई एंट्री पूरी। तो इस तरीके से मल्टीपल टैक्स रेट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं, जो भी आपने एंट्री बनाई होगी वो डिस्प्ले में भी आपको नजर आ जाएगी, मे बी ये लास्ट वाला हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल यही है। अब जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो मैं प्रिंट भी निकाल करके दिखा देता हूँ, इसका प्रिंट निकालेंगे तो कैसे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मल्टीपल के नाम से ही इसे मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, तो मल्टीपल के नाम से इसे सेव किया है मैंने, ये देखिए यहाँ पर ये मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब इसका टैक्स रेट हम एनालिसिस करेंगे कि इस पे कितना टैक्स लगा हुआ है, ये सारी चीजें लिख करके इसमें आ जाएंगी। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बिल है, सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने 798 डाला था वो आया हुआ है, और यहाँ पे कुल मिलाकर के इसकी टोटल कॉस्ट आई हुई है, और आइटम जितने आपने परचेज किए हैं उसका नाम भी लिखा हुआ, टोटल करके लिखा हुआ है, ठीक है, और टोटल अमाउंट भी आया हुआ है और टैक्स रेट भी आया हुआ है। इस तरीके से आप मल्टीपल टैक्स रेट दे सकते हैं। अगर आप जब भी आपको चाहिए कि हमें टैक्स देखना है कि किस पे कितना टैक्स लगा है, तो आप सीधा उस आइटम पर क्लिक कर दीजिए और अल्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए। जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो आपको तमाम उन आइटम्स के टैक्स रेट दिखाई पड़ जाएंगे, यानी कितना कितना टैक्स आपने दिया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगी। टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू क्या है उसकी और कितना टैक्स लगा हुआ है, दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी कुल मिलाकर 44,358 रुपए आपने टैक्स दिया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है 22,179 और 22,179, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो उतना ही आपका आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 44,358 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टैक्स रेट अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।